अच्छा जप करने की प्रतिदिन हम इसको एक आदत बना लें। और इसको बनाने के लिए हमने ये भी चर्चा की थी कि इसके लिए हमें सही ढंग से ज्ञान को अनुशीलन करना है, अच्छा संग करना है, निरंतर अभ्यास प्रैक्टिस करनी है और अपनी इच्छा शक्ति विल पावर का इस्तेमाल करना है। श्रील प्रभुपाद ने साधना भक्ति को डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस करके ट्रांसलेट किया और भगवान गीता के 12वें अध्याय में इसको अभ्यास योग बताते हैं। तो जैसे हमारी प्रैक्टिस होगी वैसे ही हमारा परफेक्शन होगा। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सक्सेस इज गारंटेड फॉर रिजिड प्रैक्टिशनर। जो लोग भक्ति का बड़ी सख्ती से प्रयास अभ्यास करते हैं उनके लिए सफलता पूर्ण रूप से गारंटेड है। इस संसार में इनसे व्यक्ति किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसकी सफलता की गारंटी नहीं है। लेकिन भक्ति का, साधना भक्ति हम सही प्रैक्टिस करेंगे तो सफलता गारंटेड है। इसके बाद प्रभुपाद ने ऐसा भी बताया कि डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस मीन्स स्टेज ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड डिवोशनल सर्विस इन परफेक्शन मीन्स स्टेज ऑफ रिलिशमेंट। यानी कि साधना भक्ति हमारा प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो यानी कि एक दिन का जप हमारे पिछले दिन के जप से बेहतर होना चाहिए और इस तरह से ये इम्प्रूव होता रहे। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जप हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है और बाहर के वातावरण में इतने उतार चढ़ाव होते हैं, बदलाव होते हैं, हमारे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होते हैं, हमारे लोगों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव होते हैं, परिस्थितियों में उतार चढ़ाव होते हैं। इसका सीधा प्रभाव हमारे मानसिक स्थिति पर पड़ता है और उस मानसिक स्थिति का प्रभाव हमारे जप पे पड़ता है। तो हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि हमारा आज का जप कल के जप से बेहतर होगा। हम पूर्ण रूप से अपने मन की स्थिति पर निर्भर हैं, लेकिन ये स्थिति सही नहीं है क्योंकि संसार में उतार चढ़ाव तो होते ही रहेंगे, चाहे जैसे मर्जी परिस्थिति रहे। हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि हर परिस्थिति में हमारा जप बेहतर होता रहे। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं संसार में बाकी सब चीज़ें भ्रम हैं, केवल दो चीज़ें वास्तविक सत्य हैं, हरि नाम और वैष्णव सेवा। तो यही हमें अभ्यास करना है कि जैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो हम अपने जप को ध्यानपूर्वक सुने, अपना हृदय उसमें पूरा डालें। और साथ ही साथ जप केवल 2 घंटे का ही अभ्यास नहीं है, हमारे पूरे दिन की जीवन शैली का प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है और हमारे जप पे पड़ता है। तो पूरा दिन हम कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे आपस में एक दूसरे से आचरण करते हैं, डील करते हैं, इसमें भी हम सावधान रहें। अनुकूल से संकल्प और प्रतिकूल से वर्जनम। जो हमारे भक्ति हमारे जप के लिए अच्छा है उसी का ही हम अनुकूल करें और जो उसके विरोध में है उसका हम त्याग करें। इस प्रकार से ये प्रैक्टिस करते करते निश्चित रूप से हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र की।